हरियाणा के कई जिलों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कल हुई बूंदाबूंदी का कोई खास असर नहीं हुआ है। आज भी ज्यादातर जगहों पर पारा 45 के पार रहा। महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार में 45 के पार पहुंच गया है तापमान। 31 मई की शाम से मौसम बदल सकता है, ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 1 और 2 जून को कई जगहों पर बारिश की संभावना जो है देखी जा रही है। देखिए, कल जब बारिश आई उसके बाद थोड़ा सा मौसम में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन कई जगहों पर बारिश नहीं हुई है। हल्की हल्की बारिश 1-2 जगहों पर हुई, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में 31 मई की शाम को मौसम जो है बदल सकता है। 1 और 2 जून को बारिश होने की संभावना भी देखी जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कल हुई बूंदाबांदी का कोई खास असर नहीं दिखाई दिया है। आज भी ज्यादातर जगहों पर 45 डिग्री के पार जो है पारा रहा है। महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार में 45 के पार पहुंचा तापमान। 31 मई की शाम से मौसम हालांकि बदल सकता है। तो हरियाणा के कई जिलों में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। हीट वेव जो है चल रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हरियाणा समेत उत्तर भारत में गर्मी जो है सता रही है। कल हुई बूंदाबांदी के बाद आज फिर हरियाणा के कई शहर जो है तप रहे हैं। 45 के पार पारा पहुंच गया है। हालांकि आपको बता दें कि कल शाम से मौसम जो है बदल सकता है और 1 और 2 जून को बारिश की संभावना देखी जा रही है। तो देखिए, हीटवेव का असर लगातार जारी है। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, नौतपा भी चल रहा है। ऐसे में जो बारिश होने की संभावना है, ये कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर है लोगों में कि अगर 31 मई की शाम को हरियाणा में मौसम बदलता है, मौसम करवट लेता है, 1 और 2 जून को अगर बारिश होती है और अगर वो बारिश थोड़ी ठीक ठाक रही तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिलेगी। थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव आएगा तो लोगों के चेहरे पर खुशी भी जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार हरियाणा वासी जो है और साथ ही अन्य राज्यों की अगर बात की जाए, पूरे उत्तर भारत में जिस तरीके से हीटवेव का असर है उससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। तो देखिए, हीटवेव लगातार चल रही है जिसकी वजह से लोगों को खासा बीमारी भी हो रही है। डायरिया जैसी शिकायत हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, उल्टी आना और साथ ही आपको दादे लू लगने जैसी समस्याएं बनी हुई है। इसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी कई जगहों पर सतर्क है। डॉक्टर्स की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप दोपहर के समय बाहर ना निकले। बच्चों को भी कहा जा रहा है, बड़े बूढ़ों को भी कहा जा रहा है। तो कैथल से मनोज मलिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब मनोज, कैथल की बात की जाए तो दोपहर के 2 बजे हैं, अभी क्या तापमान है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए बात करूं कैथल की तो लगभग 47 डिग्री से ऊपर जो तापमान पहुंच चुका है और मैं मौजूद हूँ कैथल के ओवरफ्लाई पुल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार जो आप साधन इस पर मतलब साफा बांध कर या जिला कपड़ा बांध कर ऐसे निकल रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम साधन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गर्मी का इतना ज्यादा प्रकोप है कि आम आदमी करीब दुबका बैठा हुआ है। आप देखिए कहीं पड़ते कितनी खाली पड़ी हुई है, लेकिन जो भी आ रहा है तो वो अपने या तो साफा बांध कर आ रहा है या रुमाल जिला करके बांध कर आ रहा है। तो साधन भी बहुत ही कम हो चुके हैं। उसके साथ बता दें कि प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, आम आदमी को काफी शिक्षा समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, वो सभी गर्भ में ही दुख के बैठे हुए हैं क्योंकि जो गर्मी का प्रकोप है आज 47 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन कल जो बूंदाबांदी जरूर हुई थी लेकिन उससे आम लोगों को भी राहत नहीं मिली है। अगर राहत मिलती तो आज का जो टेम्परेचर बिल्कुल कम मिलता, लेकिन कल जो टेम्परेचर था 47 से भी ऊपर पहुंच चुका था। तो उसको लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार की जा रही है, आम आदमी को समझाया भी जा रहा है, अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि बहुत ही कम घर से बाहर निकले और सभी घर से बाहर निकले। जबकि कल बारिश हुई थी, कई जगहों पर बारिश हुई है कल, तो उसका असर क्या कैथल में देखने को मिला? जी बिल्कुल नहीं, देखिए अगर बात करें तो हल्की बूंदाबांदी कैथल में कल शाम को हुई थी, लेकिन काफी 4-5 जिलों में भी बारिश हुई थी, लेकिन वहाँ थोड़ी ज्यादा हुई थी। बात करें चंडीगढ़ की, सोनीपत की, रोहतक की, लेकिन कैथल जिले के अंदर बहुत ही हल्की बूंदाबांदी हुई थी जिसको लेकर बिल्कुल भी राहत नहीं मिली है। आम आदमी काफी परेशान दिखाई दे रहा है। लगातार बात करें सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो लगातार ओपीडी बढ़ती जा रही है। तो छोटे बच्चे की बात करें
तीन से छह साल के जो बच्चे हैं वो लगातार किसी को उल्टी की बीमारी हो रही है, लग रही है, किसी का पेट में दर्द है, किसी में सिर में दर्द है, और काफी ऐसी दिक्कत आ रही है लगातार। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काफी ओपीडी जो कैथल सरकार के बात करूँ तो लगभग 600 से 700 जो छोटे बच्चे हैं लगातार ओपीडी में आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं उनके साथ उनके प्रिजन भी आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो कोई कमी होने के कारण काफी परेशानी का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। बता दें कि काफी महीने से जो डॉक्टरों की कमी कैथल में दिखाई दे रही है, लेकिन बार बार ऊपर भी पत्राचार किए जाने के बाद भी डॉक्टर कैथल में नहीं पहुंचे हैं, और काफी ऐसे डॉक्टर हैं, बात करें तो कैथल में अब तक सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो उन्हीं डॉक्टर ही यहाँ तक सीमित रह चुके हैं, जबकि 57 या 58 डॉक्टरों की यहाँ पर जरूरत है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार जो ये हाईवे है हम जिन रोड का किस प्रकार आपको खाली दिखाई दे रहा है, बिल्कुल तस्वीरें देख पा रही हूँ मनोज, मैं बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ लोग वहां से निकलते नजर आ रहे हैं। मनोज आप बने रहिए हमारे साथ, डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। चंद्रमोहन जी आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से कल बारिश हुई है लेकिन कोई असर उसका देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट हम लोगों को दे रहे हैं वो ये कि 31 मई को की शाम की अगर बात की जाए तो मौसम में बदलाव हो सकता है, 1 और 2 जून को बारिश होने की भी संभावना देखी जा रही है। बिल्कुल देखिए 31 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, परंतु है वो कमजोर, उसकी वजह से आंशिक बादलवाई, अंधड़ और साथ में छिटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा जी। तो जिसकी वजह से आने वाले 2-3 दिन आमजन को भीषण गर्मी और गंभीर हीट वेव से राहत मिलने की संभावना बन रही है जी। और अगर हम कल की बात करें, कल भी दोपहर बाद कई जगह पर हीट क्लाउड बन गए थे और जिसके हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियों को दर्ज किया गया जी, परंतु उससे ज्यादा गर्मी में राहत नहीं मिली, परंतु उससे मतलब लोगों को उमस भरी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा जी। तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली, परंतु कल से जो मौसम प्रणाली आ रही है उसकी वजह से हवाओं की दिशा बदल जाएगी और उसकी वजह से आम जन को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि हवा जो है वर्तमान में रेगिस्तान की तरफ से आ रही है और आने वाले दिनों में जो पवने बदल कर दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी हो जाएगी जी। जिसकी वजह से आम जन को जरूर राहत मिलेगी, तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी जी। चंद्रमोहन जी ये भी पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये बूंदाबांदी हो सकती है, केवल हरियाणा की अगर बात करें, अन्य राज्यों की बात करें जी। देखिए उसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी यूपी जी। और एक आज खुशखबरी की बात ये है कि आज भारत की मुख्य भूमि पर मानसून का आगमन धमाकेदार हो गया है जी। और धीरे धीरे वो अपने सही समय पर आगे बढ़ेगा। आज केरल, तमिलनाडु और उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उनमें बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां चल रही हैं और आने वाले दिनों में सही समय पर हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर 27-28 तारीख के आसपास मानसून पहुंचने की पूरी संभावना है जी। चंद्रमोहन जी बने रहिए हमारे साथ कैथल से, हमारे साथ मनोज भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मनोज आप तापमान आप कह रहे हैं कि 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, 48 वहां पर पहुंच गया है, हालांकि कल बारिश जो है उसका असर भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन जैसे कि मौसम विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हैं मनोज, वो भी ये कह रहे हैं कि जो बारिश कल होगी, कल जो मौसम में बदलाव होगा, 1-2 तारीख को जो बारिश की संभावना जताई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी जी। मनोज मनोज आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जी, सुन पा रहे हैं मनोज? मनोज आवाज मिल पा रही है आपको? मेरा प्रश्न यह है मनोज कि जिस तरीके से मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी कहा है कि 31 मई की शाम को अगर मौसम बदलता है और 1-2 तारीख को अगर बारिश आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी जी। बिल्कुल देखिए अगर बारिश आती है तो देखो मतलब आम आदमी बात सुने, बुजुर्ग बात सुने, बच्चों की बात सुन, तो वो इसी इंतजार में बैठे हो कब बारिश आएगी, और जब जो गर्मी का प्रकोप है, जब भी साल के बाद
पहली बार देखने 36 साल के बाद देखने को मिला ये गर्मी का प्रकोप, तब ये प्रकोप खत्म हो गया, क्योंकि एक तरफ जहाँ गर्मी का प्रकोप जारी है वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जो गर्म हवा है, जो गर्म लू है वो भी लगातार जारी है। आप देख भी सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर आप देखते हैं सड़कों के ऊपर बहुत ही साधन कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतनी कतारे साधनों की यहाँ पर लगती थी जहाँ अंदाजा नहीं लगाया जाता था, क्योंकि ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लगातार भीड़ दिखाई देती थी, जाम लगता था। लेकिन जो गर्मी का प्रकोप है आप देखिए इसके अधिक कदू का ही जो गाड़ियां है या साधन है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो गर्मी का प्रकोप है काफी सता रहा है। जहाँ तक बात करूँ छोटे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करूँ, उनको काफी परेशानियों का सामना दिखाना पड़ा है। बात करें तो रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूँ या बस स्टैंड की बात करूँ तो वहाँ पर भी यात्रियों के लिए कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है। यात्री वहाँ पर बस से उतरते हैं या रेल से यात्री उतरते हैं तो वहाँ पर भी पानी व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया, गाइडलाइन जारी की गई, उसके बाद 2 दिन के अंदर ही वहाँ पर जो सुविधा थी पानी के कैंपरों की या प्याव सेंटरों की तो मनोज कह रहे थे व्यवस्थाएं भी की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से। बने रही मनोज हमारे साथ, लाजपत सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता। लाजपत फिलहाल सोनीपत की बात करें तो अभी क्या तापमान है वहाँ पर? और व्हीकल्स का काफी यहाँ पर प्रकोप दिखाई देता है और जो सोसाइटीज है उनके एसी काफी दिखाई देते हैं, जिससे लगातार आसमानी कहर और पोल्यूशन और काफी बड़ी समस्या है। आपको मैं तस्वीरों में दिखा दूं, पीछे जो मेरे देश का सबसे बड़ा हाईवे है उस पर हालात जो आपको व्हीकल्स का नहीं दिखाई देगा, क्योंकि व्हीकल जो है इस देश के सबसे बड़े हाईवे से यहाँ से व्हीकल गुजरता है, लेकिन आपको खाली हाईवे दिखाई देगा। और जो लगातार हाईवे है, जो ये दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है, जिस पर आपको वाहन नहीं दिखाई देगा। लगातार जो टेम्परेचर है वो गाड़ी के एसी और जो सोसाइटीज के एसी है वो, और फैक्ट्री का पोल्यूशन जो गर्म तापमान में फैक्ट्रियां चलती है, और आपने देखा भी है सोनीपत में लगातार आगजनी की जो घटनाएं हो रही है वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार जिन फैक्ट्रियों में गर्मी का काम होता है, भट्टियों का काम होता है, उनमें आग लग जाती है, 40 से अधिक लोग भी झुलसे हैं, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है, और इससे पहले एक फैक्ट्री में और आग लगी थी जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई थी, एक कंटेनर में चलते चलते आग लगी। तो ये टेम्परेचर की वजह से काफी बड़ी समस्या है सोनीपत के अंदर। सोनीपत का प्रशासन लापरवाह है, सोनीपत के प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जब टेम्परेचर का जो समय होता है उस समय जो फैक्ट्रियां हैं उनको बंद करवाया जाए, ताकि वो जो लोग मजदूर और मजबूर हैं उनको राहत मिले। आप समझ सकते हैं कि मजदूरों को अंदर काम करने में कितनी बड़ी दिक्कत होती है जिन फैक्ट्रियों में भट्टियों का काम होता है, क्योंकि रात को वो चला सकते हैं, रात को टेम्परेचर घट जाता है, लेकिन जब दिन में डबल टेम्परेचर होगा तो बड़े ब्लास्ट होंगे, बड़ी नुकसान होगा और लोगों की काफी बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अभी तक सोनीपत के प्रशासन के सामने इतनी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद सोनीपत प्रशासन की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस ऐसी नहीं आई है ताकि फैक्ट्रियों को लोक करवाया जाए, फैक्ट्रियों पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा अभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ा चलिए बिल्कुल लाजपत 31 मई की शाम को अगर मौसम बदलता है और 1 और 2 जून को अगर बारिश होती है तो देखने वाली बात होगी, लोगों को राहत मिलती है नहीं। चंद्रमोहन जी आपका भी, लाजपत आपका भी और मनोज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी आपको ये बता रही है कि हरियाणा में हीटवेव तो एक तरीके से चल रही है, लेकिन उसी तौर पर 31 मई की शाम को मौसम जो है हरियाणा में बदल सकता है। तो कल हरियाणा में मौसम का मिजाज जो है शाम के समय में बदल सकता है, 1 और 2 जून को बारिश होने की संभावना है, हमने आपको बताया।